चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स को पढ़ना। हम लोग पिछले दिन 26 तक के कैलकुलेशन किए थे। आपको होमवर्क्स में 27, 28 और 29 तक के क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। बहुत सारे छात्रों ने इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजा, कुछ का सही हुआ कुछ का गलत हुआ, तो वो लोग भी सुधारे हैं। तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 30 से डिस्कस करेंगे। 30 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि इस सवाल में ए का भी वैल्यू निकालना है बी का भी वैल्यू निकालना है। ये का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कब निकालना है, जब हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एफ एक्स का तीन फंक्शन है, पहला 5, 5 कब यूज करना है, जब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा और बराबर रहेगा। याद रखिए, बहुत सारे छात्र लोग इसको नहीं पता चल रहा है कि किसमें VF निकालेंगे, किसको LHL निकालेंगे, किसको RHL निकालेंगे। तो आप बिल्कुल सही मायने में समझिए, इसका बहुत वैल्यू है। फिर आगे क्या है, AX प्लस बी, ये तब यूज करना है जब 2 से बड़ा रहेगा और 10 से छोटा रहेगा। और नेक्स्ट है 21, तब यूज करना है जब एक्स का वैल्यू 10 से बड़ा या बराबर रहेगा। चलिए आप यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए और साथ साथ क्या बोल रहा है ना, ये भी हमको गिवन तो ये दिया ही हुआ है, आल्सो गिवन यानी कि एक और चीज दिया हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, तो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब तो जानते ही है कि VF, LHL और RHL तीनों बराबर होना चाहिए। अब यहां सवाल ये उठता है कि आप जब इंटरवल देखेंगे, यानी कि ये इंटरवल है तो इंटरवल देखेंगे तो आपको दो ऐसा फंक्शन दिखेगा, यानी कि ये जो हम लोग चेकआउट करेंगे वो 2 पे भी चेक करेंगे एंड 10 पे भी, क्योंकि 10 एक तरफ से छोटा है और 10 से बड़ा और बराबर भी है, इसलिए हमको दो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो सवाल बोल रहा है कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले हम लोग एट एक्स बराबर कितना पे, 2 पे। तो एट एक्स बराबर 2 पे जब आप निकालेंगे VF, LHL, RHL तो आपको एक समीकरण मिलेगा, और जब आप यही चीज एक्स बराबर 10 पे निकालेंगे तो आपको VF, LHL, RHL तीनों इक्वल होगा, और फिर यानी कि दूसरा समीकरण होगा। यानी मेरा मतलब कि एट एक्स बराबर 2 पे, एट एक्स बराबर 10 पे आपको VF, LHL, RHL निकालना है, और फिर दो इक्वेशन आएगा और दोनों इक्वेशन से ए और बी को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग 2 पे दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 पे सबसे पहले हम लोग VF निकालेंगे, तो VF निकालेंगे कितना पे, 2 पे। तो 2 पे निकालने के लिए आप f ऑफ 2 करेंगे, और f ऑफ 2 का मतलब क्या, बहुत सारे लोग ये गड़बड़ा जा रहे हैं कि सर 2 किस में लेंगे, पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला कि तीसरा वाला। तो प्यारे छात्र, उसी को हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें VF 2 का इक्वल लगा हुआ होगा। तो 2 का इक्वल लगा हुआ है सबसे ऊपर वाले में, यहां पे देख पा रहे होंगे 2 का इक्वल, तो इक्वल जिसमें लगा रहता है उसी से VF निकालते हैं। तो 2 का इक्वल में उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5। तो यहां हो गया 5। उसके बाद हम लोग इसी पॉइंट पे LHL निकालेंगे। तो LHL निकालते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। तो यहां होगा 2 माइनस, फिर होगा एफ एक्स, उसके बाद लिमिट यहां पे लिखते हैं एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ कितना पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। तो यहां हो जाएगा 2 माइनस एच, जितना पे चेक करते हैं तो 2 माइनस एच। अच्छा, उसके बाद जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या रखेंगे। अब रहा बात कि 2 से माइनस, इसका मतलब समझना है, 2 माइनस का मतलब क्या, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा वैल्यू कौन सा होगा, तो 2 से छोटा वैल्यू कौन सा होगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 से यहां पे छोटा है और ये 2 से क्या है, बड़ा है। और यानी कि जो हम लोग जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसी से बड़ा छोटा देखते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 माइनस, तो ये वाला इंटरवल को देखिए, तो इधर 2 से क्या है, छोटा है, और यहां 2 से x क्या है, इधर मुंह खुला है, तो ये क्या है, बड़ा है। हम लोग जब भी LHL निकालेंगे तो यहां कैसे पुट करते हैं, 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा। तो 2 से छोटा वैल्यू तो यही ना है,
तो डायरेक्ट इसके जगह पे हम लोग, चूंकि ये कांस्टेंट है 5 है, तो डायरेक्ट यहां पे 5 लिख देंगे। अगर यहां x या कुछ और रहता तब ना हम उसके जगह पे ये चीज रखते, यानी कि यहां तो सीधा 5 है तो 5 रख दिए। अच्छा, इसका मतलब vf भी 5 आया, lhl भी 5 आया। अगर हमको RHL निकालना होता तो हम इसी में, प्यारे छात्रों इसी में हम RHL दिखा दे रहे हैं। जब भी आप कॉपी में नोट करेंगे तो LHL के नीचे RHL निकालेंगे, तो हम इसी में RHL करके दिखाते हैं। तो RHL जब भी निकालेंगे तो इसको 2 प्लस करते हैं। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से ज्यादा, 2 प्लस fx, यहां हो जाएगा 2 प्लस h। अब आप ये देखिए कि 2 से बड़ा वैल्यू, तो 2 से बड़ा वैल्यू तो दूसरे वाला फंक्शन में हमको 2 पर फिक्स फोकस करना है, ध्यान देना है। तो 2 पर जैसे ही फोकस करेंगे तो 2 से बड़ा वैल्यू तो दूसरा फंक्शन में। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें कितना भी फंक्शन दिया रह सकता है, यहां 3 दिया है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आपको उसी पे फोकस करना है जिस पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे 2 पे चेक किए तो 2 से बराबर वाला पे vf निकाल लिए, 2 से छोटा वाला पे, इधर मुंह बंद है तो 2 से छोटा होगा उस पे हम लोग lhl निकाल लिए। लेकिन जो rhl निकाल रहे हैं प्यारे छात्रों वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा का मतलब दूसरे वाले फंक्शन में, और दूसरे वाला फंक्शन का नाम क्या है, ax प्लस b है। क्या है, ax प्लस b। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां x रहेगा वही ना 2 प्लस h रखेंगे, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और fx के जगह पे दूसरा फंक्शन ax प्लस b है, तो मेरा f 2 प्लस h है, तो इस दूसरे वाले फंक्शन में रखेंगे तो ax के जगह पे होगा 2 प्लस h और प्लस में b। अब प्यारे छात्रों कैसे करेंगे हम लोग, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, h की जगह पे 0। तो h की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2, और 2 को a से मल्टीपल करना है। हम डायरेक्टली पुट करके आपको कैलकुलेशन के साथ आंसर यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, आप चाहे तो एक स्टेप और भी लिख सकते हैं ज्यादा। तो यहां पे हम h की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, और 2 को a से मल्टीपल करेंगे तो 2a, और यहां होगा b, यानी कि 2a प्लस b। अब क्या बोल रहा था सवाल में, जरा ये समझिए। आपको याद होना चाहिए कि vf भी मेरा 5 आया है, lhl भी मेरा 5 आया है, और rhl जब निकाले तो 2a प्लस b आया है। अब चूंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है, चूंकि इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, सो vf इज इक्वल टू lhl इक्वल टू क्या होगा, RHL होगा। अब vf भी मेरा 5 आया है, lhl भी 5 आया है, RHL आया है 2a प्लस b, तो यहां vf के जगह 5 उसके नीचे लिखिएगा, क्योंकि यहां स्पेस कम है तो हम बगल में लिख रहे हैं। vf 5 इज इक्वल टू lhl भी 5, RHL कितना आया है 2a प्लस b। अब यहां पे 5 और 5 दोनों बराबर है तो कोई एक ही 5 लेना है आपको, यानी कि यहां पे हम ले सकते हैं 2a प्लस b बराबर में क्या 5, 2a प्लस b बराबर में 5। ये समीकरण एक हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट सपोज मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यानी कि 2a प्लस b बराबर जो आया 5 वो इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब जब ये इक्वेशन नंबर 1 आया तो अब ऐसा ही, अब हम लोग यहां एट एक्स बराबर 2 पे चेक किए थे, अब आपको एट एक्स बराबर 10 पे चेक करना है। यानी कि यहां पे 2 ऐसा फंक्शन था जिस पे हम लोग कंटिन्यूअस को दिखा सकते हैं, तो एक 2 वाला तो कैलकुलेशन किए, इससे एक समीकरण आया। अब वैसा ही काम हम लोग 10 पे चेक करेंगे, और 10 पे भी हम लोग 3 बात निकालेंगे, vf निकालेंगे, lhl निकालेंगे और RHL निकालेंगे, और फिर डिसाइड होगा कि दूसरा समीकरण और फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे जो काम करते हैं, क्योंकि सवाल ये बोल रहा है कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, चाहे 2 पर आप चेक करो चाहे 10 पे चेक करो, सवाल खुद बोला है कि कंटिन्यूअस। तो जैसे भी हम लोग 2 पे चेक किए, याद रखिएगा कि 2 पे जो इक्वेशन आया है वो कितना आया है,
टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, ये हम अभी लिख दे रहे हैं इधर, याद रहे टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव आया है इक्वेशन नंबर वन। इसको आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा ये समाप्त हो गया बोर्ड तो फिर मिटाना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स बराबर टेन। अब जब भी टेन पे चेक करेंगे तो आपको तीन चीज याद रखना है, किसमें बराबर सटा हुआ है, किससे किसमें उससे छोटा है, किसमें उससे बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे vf जो है 10 के बराबर सटा हुआ है, यानी कि vf भी इसी में इस्तेमाल करेंगे, और ये बड़ा है, इधर मुंह खुला है, तो 10 से बड़ा वाला में भी हम लोग 10 से बड़ा वाला में भी हम लोग इसी को यूज करेंगे। लेकिन LHL का जब बात है तो 10 से छोटा हुआ ना, इधर मुंह बंद है, तो 10 से छोटा वाला में हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग 10 में vf निकालते हैं, vf तो f ऑफ 10, f ऑफ 10 होगा क्योंकि 10 पे चेक कर रहे हैं। अब बताइए कि इसमें इक्वल लगा हुआ है तो 10 पे जो भी इक्वल है तो वही ना डायरेक्ट vf का वैल्यू कितना रखेंगे, 21, क्योंकि इसमें ना तो x है ना तो कुछ और है, मतलब कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं है, तो यहां पे 21 है तो डायरेक्ट हो जाएगा 21। चलिए अब हम लोग LHL निकालते हैं। LHL तो LHL कैसे होगा, तो LHL जब भी निकालेंगे लिमिट x टेंस टू कितना पे चेक कर रहे हैं, 10 पे, तो यहां होगा 10 माइनस fx, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, सॉरी h x टेंस टू नहीं, h टेंस टू 0 f ऑफ कितना पे चेक कर रहे हैं, 10 पे, तो 10 माइनस h। अच्छा अब आप ये समझिए कि 10 से छोटा, 10 माइनस का मतलब 10 से छोटा, तो 10 से छोटा किसमें होगा, यहां 10 से छोटा दूसरे वाले फंक्शन में ना होगा, यानी कि दूसरा वाला फंक्शन हम लोग को दो चीज का जानकारी दे रहा था, या तो 2 से बड़ा और 10 से छोटा, ये चीजों का जानकारी दे रहा था। तो 10 से छोटा वाला में भी हम लोग दूसरा वाला फंक्शन को यूज करेंगे, और दूसरा वाला फंक्शन क्या है, तो ax प्लस बी है, यानी कि इस x के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 10 माइनस h रख सकते हैं, यानी कि ये मेरा जो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ax प्लस बी है, तो a यहां हो गया 10 माइनस h प्लस बी। अब प्यारे दोस्तों इसको क्या करना है, h की जगह पे 0 पुट करना है, तो अगर h की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो 10 में से 0 गया 10, और 10 को a से मल्टीपल करना है 10a और प्लस में b, तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो LHL का जो वैल्यू आया वो 10a प्लस b आ गया। वैसे ही अब हम लोग RHL भी निकाल सकते हैं। RHL जब भी निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 पे चेक कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे 10 प्लस fx, उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और यहां पे क्या होगा, तो प्लस है ना, तो 10 प्लस h। अब आप बताइए कि 10 से बड़ा वाला वैल्यू किसमें है, 10 से बड़ा वाला वैल्यू 10 से कभी भी अगर बड़ा रहेगा तो उसका डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट है 21 है, 21 x होता तब हम x के जगह 10 प्लस h रखते, लेकिन यहां पे 10 से डायरेक्ट वैल्यू बड़ा रहेगा तो आप बेहिचक 21 आप रख सकते हैं, मतलब कि 21। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 पे vf निकल चुका 21, LHL निकल गया 10a प्लस बी, एंड RHL निकल गया 21। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सवाल चूंकि बोल रहा था कि इट इज कंटिन्यूअस, सवाल ही हमें बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि vf इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अब हम ये बोल सकते हैं कि vf, LHL और RHL तीनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो vf के जगह पे पुट करेंगे, vf आया है मेरा 21 इज इक्वल टू, LHL कितना आया है, तो LHL आया है 10a प्लस बी, फिर RHL कितना आया है, तो 21 आया है,
तो प्यारे छात्रों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 21 और 21 डबल है, यानी कि दो है, तो क्यों ना हम इसको एक ले, यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि 10a + b = 21। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। और हम लोग 10th क्लास में सीखे हैं कि दो रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक रैखिक यानी कि लीनियर इक्वेशन आया है 2a + b = 5 इक्वेशन नंबर 1, और 10a + b = 21 ए आया है इक्वेशन नंबर 2। तो आप जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब मिटाते हैं यहां पे, चलिए तो अब यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाला समीकरण और सेकंड वाले समीकरण से चलते हैं। तो आपको फर्स्ट समीकरण से क्या आया था, 2a + b = 5 आया था, और दूसरा वाला से आया था 10a + b = 21। ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये था इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे साइन चेंज करेंगे सबका, तो ये कट जाएगा, और दो में से अगर -10 को घटाएंगे तो आएगा -8a, और पांच में से अगर 21 को माइनस करेंगे तो ये होगा -16, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, इसलिए ए का जो वैल्यू होगा वो 16/8 मीन्स 2 आंसर आ गया। क्योंकि हमें सवाल ही बोल रहा था कि ए का भी वैल्यू निकालना है और बी का भी वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू हो गया 2। एंड अब किसी भी समीकरण से चल देंगे, आपको जो इच्छा होगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट से चलेंगे, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, 2a + b = 5, तो a के जगह पे आप रखेंगे 2, तो 2 × 2 = 4, और 4 उधर माइनस कर लेंगे तो b क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, बोल रहा था कि एक फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन में आपको 3 फंक्शन दिया हुआ था, और 3 फंक्शन जो था वो कंटिन्यूअस था, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन था ही। अब जब वो कंटिन्यूअस था तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना था, वो हम लोग डन हो गया। चलिए आगे की क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं 30 के बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करना है। 30 के बाद जो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f(x) = इज कंटिन्यूअस। तो पहले छात्रों जो 31 क्वेश्चन है ना वो बहुत सिंपल है, हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट f(x) = cos x² इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो कंटिन्यूअस चेक करते 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 अब तक के बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, हम लोग को यहां कंटिन्यूअस दिखाना है, और अक्सर दिखाने वाला सवाल में हम लोग को ज्यादा भारी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चाह कर भी हम लोग को तीनों को बराबर लाकर दिखाना होता है। अक्सर प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो बहुत इजीबल होता है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू वगैरह निकालना नहीं है, आपसे गलती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो भाई कब होगा प्रूफ, जब आप VF निकालोगे, LHL, RHL और तीनों इक्वल हो गया तो प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर किस पॉइंट पे चेक करना है, सवाल में तो नहीं लिखा है कि x = π, चाहे x = 2, x = 3, किसी पॉइंट पे नहीं लिखा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट पे नहीं दिया रहे तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं C, उस पॉइंट को क्या मानते हैं C। तो यहां पे कोई फंक्शन नहीं दिया था इसलिए लेट अपने तरफ से मान लेंगे @x = C। आप C पे चेक कर लो, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, तो
आप इस पे वी एफ निकालिएगा, सिंपल है यार, वी एफ आप निकालोगे तो एफ ऑफ सी, और जहां एक्स है वहां सी रखेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस सी स्क्वायर। वैसे ही आप एल एच एल निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा, कॉस सी स्क्वायर आएगा। जब आर एच एल निकालेंगे उसका भी कितना आएगा, कॉस सी स्क्वायर आएगा। तो जब तीनों का इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया तो उसके नीचे लिख देना है, इसलिए वी एफ का जो वैल्यू है, एल एच एल का जो वैल्यू है वो आर एच एल का इक्वल आ गया, हेंस ये कंटिन्यूअस हो गया, इट इज कंटिन्यूअस, प्रूफ लिख देना है। दैट इज सिंपल, और आपको ये बनाकर और ग्रुप में सेंड करनी है कि सर देखिए मेरा जो है cos c square फिर इक्वल हो गया। बहुत सारे ऐसे भी छात्र जो इसको हल्के में ले रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी से नहीं बनाएंगे तो हम भली आधे घंटे लगभग 35 मिनट की वीडियो जो होती है, तीन चार सवाल सॉल्यूशन कराते हैं। अगर एक ही तरह का क्वेश्चन होता है तो हम आप उसको बनाने के लिए बोलते हैं, और आप इसको हल्के में लेकर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका समझिए कि बहुत बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि जब भी क्लास खुलेगा, हो सकता है कि 3 मई तक के अभी डिसाइड हुआ है वो आगे भी लॉकडाउन जाए, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति कितने बढ़े हैं, या फिर उनकी दिन प्रतिदिन संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है डेली बेसिस पे। अगर वैसा स्थिति रहा तो हम लोग का हो सकता है कि ये नवंबर दिसंबर कभी तक भी जाए, कोई कंफर्म नहीं है, कोई डाटा लिमिट नहीं है। आपको पता है कि चीन में अभी जस्ट ही चीन के वुहान शहर में वहां पे सब कुछ चालू कर दिया गया था, बस सेवाएं, लेकिन फिर से उसको लॉकडाउन में लाया गया, फिर से वहां पे सेवाएं बंद कर दी गई, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए तो हम लोग ऑनलाइन स्टडी करने वाले हैं, शुरू कर दिए, और आप इसको हल्के में ले रहे तो आपका कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होना होगा, आप ये बात मान लीजिए। अभी दो ही टॉपिक्स हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, अगर एक महीने में आप देखेंगे 30 दिन और 30 दूना 60 टॉपिक्स का मतलब लगभग एक से दो चैप्टर कंप्लीट। तो आप इसको हल्के में नहीं लें, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी चीजें हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए। हो सकता है न्यूमेरिकल हम देते हो तो उसको आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करो, हम आपका वेट करते हैं कि कौन लोग बना रहा है कौन लोग नहीं, और जो लोग नहीं बना रहे तो उनके लिए हम यही बात बोलेंगे कि आपका बहुत बुरा दिन आने वाला है, आप घर पे पढ़िए। आपके लिए जब हम इतना सेवा दे सकते हैं तो आप घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपको घर से इंस्टीट्यूट आने में अच्छा है या फिर घर से पढ़ाई अच्छा है? हालांकि हम भी तो वही वैसे ही चीज बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे पूछिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखने का जरूरत है, और डेली ऐसा नहीं है कि आप दिन भर फोन में लगे रहो, कम से कम जो मेरा वीडियोज है जो अपने घंटे 3-4 घंटे स्टडी है उसको आप करो। और तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे हम दे रहे हैं उसको आप फुलफिल करो और फिर सेंड करो, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई लोग फायदा इसका उठा रहे हैं, नहीं तो फिर हम क्यों बक रहे हैं यहाँ पे 2-3 घंटे। लगभग समझिए कि 2-3 घंटे की वीडियो हो जाती है टोटल, इसको अपलोड करो, कहीं नेटवर्क है नहीं है बहुत तरह का दिक्कत होता है, हम आखिर उतना क्यों टेंशन लेके काम करते हैं, आप ही की वजह से ना। और बाकी सोचिए मेरे यहाँ पे और भी तो क्लासेस है, लेकिन आपके लिए ही ये सेवा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपका 12th इम्पोर्टेंट है 10th से भी ज्यादा। दूसरी बात कि 10th में सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वहां पे लोगों के पास दिक्कत है, और खुशी का बात इसलिए है कि आप लोग का तो 12th क्लास में सभी के पास लगभग फोन ही स्मार्टफोन है ही है, तो आप इसका यूज कीजिए अच्छे से तो ही अच्छा हो पाएगा आगे, नहीं तो फिर वही कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो एक मोटिवेशन के तौर पर है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा कोई भी चीज नहीं होता है। और जो भी हम अधूरा छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को उसको आप कंप्लीट करो, यही मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, और तीनों अगर इक्वल आएगा तो वी एफ एल एच एल आर एच एल, जब इक्वल आ जाएगा तो कंटिन्यूअस करेंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 31 क्वेश्चन के बाद 32, टोटल 34 क्वेश्चन है। अब 32 वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी वही बात बोल रहा है, यानी कि 32, 33, 34 दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, सब में आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा,
यानी कि VF, LHL, RHL तीनों इक्वल दिखा दे रहे हैं, डोंट माइंड। हालांकि इसमें दिया नहीं हुआ है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो जिस पॉइंट पे चेक करना नहीं बोला है तो आप अपने तरीके से एट एक्स बराबर सी पर या पी पर जो किसी भी चीज पर आपको मन करे आप इसको चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मतलब कि अगर 32 नंबर सवाल, 33 और 34 तीनों में कंटिन्यूअस प्रूफ करना है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, हम दिखाते हैं कि इसमें भी वही प्रूफ करना है, तो बनाने का तरीका वही लिखिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स बराबर इतना इज कंटिन्यूअस, और कुछ नहीं दिया है तो लेट एट एक्स बजर से कि 31 नंबर लैंग्वेज लिखे हैं वैसे ही लिखना है। हालांकि 32 नंबर में हमको एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, सबका वैल्यू एक साथ लिख देते हैं, मोड इसको पढ़ते हैं, मोड कॉस एक्स। इसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, इसमें दिया है साइन मोड एक्स, साइन मोड एक्स। फिर इसमें क्या दिया है एफ एक्स का वैल्यू, इसमें दिया है मोड एक्स माइनस एक्स प्लस वन। तो कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, हम अगर इस पे भी सबको यानी कि इस सवाल ये सवाल ये एफ एक्स का वैल्यू है और इसमें भी VF, LHL, RHL, VF, LHL, RHL तीनों निकालना पड़ेगा और तीनों अगर इक्वल आया तभी हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इसको हमको नहीं पता है कि किस पॉइंट पे चेक करना है तो आप मान लेंगे कि एट एक्स बराबर सी, और सी पर जब आप VF निकालेंगे तो क्या होगा, तो एफ ऑफ सी और एक्स की जगह पे सी डाल देना है तो मोड कॉस सी आएगा। तो वैसे ही आप LHL इसका निकालेंगे तो कॉस सी का मोड आएगा, RHL निकालेंगे तो कॉस सी का मोड आएगा, मतलब तीनों में यही चीज आ जाएगा, और जब तीनों में यही चीज आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते LHL का जो निकालने का प्रोसेस है लिमिट एक्सटेंड्स टू जिस पे चेक करेंगे उतना माइनस, तो ये सब सारा चीज को लिखना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसमें भी अगर एट एक्स बराबर सी पर आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा तो आप सी पर ही चेक कर रहे हैं, हम पी पे भी ले सकते हैं, तो अगर पी पे चेक करेंगे तो यहां हो जाएगा वी एफ निकालेंगे तो एफ ऑफ पी, पी पे चेक कर रहे हैं, और LHL निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पी माइनस लिखेंगे, तो सब चीज बोल सकते हैं लॉजिकली है यहां पे एफ पी, तो यहां हो जाएगा क्या साइन मोड ऑफ पी, और जब कभी भी इसका LHL इसका RHL निकालेंगे तो यही मेरा आएगा यानी कि साइन मोड में पी आएगा। तो उसी तरीके से इसका भी VF निकालेंगे एट एक्स बराबर सी पे तो मोड सी आएगा माइनस सी प्लस वन आएगा का मोड, और जब कभी भी इसका LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे तो सेम होगा। तो प्यारे छात्रों हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आगे का क्वेश्चन है मतलब 31 के बाद 32, 33, 34 आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्रेश अच्छे से लॉजिक तरीके से आप इसको बनाकर और तीनों को प्रूफ करके हमें दिखाइए कि कितने लोग इसको सही से ढंग से कर पा रहे हैं, तभी तो हमको ये पता चलेगा कि अगर आपका गलती हो रहा है तो आखिर कहां पे गलती हो रहा है। हम उसको और जब भी वीडियोज आगे की बात करेंगे उसमें उस चीज को बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, कब आपका फीडबैक रहेगा तभी ना, आप गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, हर एक इंसान जो होता है गलती करने से ही सीखता है, तो आपको गलती भी करना है, यानी कि आप जब बनाएंगे तो ऑलरेडी कुछ गलती होगा, और जब गलती होगा तो गलती से ही आप कुछ सीख पाएंगे, और उसका दूसरा फायदा ये मिलेगा कि हमें भी देखने को मिलेगा कि आपका किस मोड पे गलती हो रहा है, उस मोड को हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे सवाल में तो वहां पे उन चीज का जिक्र करेंगे कि आप यहाँ पे गलती कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं रहे हैं उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल बनाकर डेली पढ़िए और डेली बनाकर भेजिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5.1 एक्सरसाइज में टोटल अगर क्वेश्चंस का बात करें तो 34 क्वेश्चंस था और 34 क्वेश्चंस को हमने किया है, और दूसरी बात आप ये मान ले जो लोग हल्के में ले रहे हैं फिर ये 5.1 हम कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि आपके लिए एक टाइम यहाँ पे वेस्ट किए हैं और फिर उस टाइम को तो फिर फायदा क्या है ऑनलाइन स्टडी करने में। तो हाँ एक दो क्वेश्चन अगर फंस रहा होगा तो हम लोग कभी भी छुट्टी में कभी भी टाइम जब होगा सैटरडे वाले क्लास में जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग बैठकर डिस्कस कर लेंगे,
लेकिन पूरा का पूरा जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नो एनफ, कभी नहीं होने वाला है। यानी कि 5.1 में जो 34 क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और अगली वीडियो यानी कि अगले दिन की जो क्लास होगी मैथ्स की वो 5.2 का थ्योरी का वीडियो होगा। तो प्यारे छात्रों 5.2 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ 5.2 को स्टार्ट करेंगे। उसका सबसे पहले जैसे क्लास में थ्योरी देते थे वो थ्योरी रहेगा, कुछ फार्मूला लिखवाएंगे। फार्मूला बिल्कुल, क्योंकि क्लास तो है नहीं कि आपको एक एक बच्चा को खड़ा करवा कर हम अगर पूछ दे, आपको अपने से पढ़ना है, आपको उस फार्मूला को जो हम बोलेंगे आपको घर से करना है ईमानदारी पूर्वक। आपको वहां पे ये कंपेयर नहीं करना है कि हम अगर चोरी छुपे अगर हम अपने आप को बढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो सब फार्मूला बनाया बताएंगे वो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा और ईमानदारी पूर्वक, राइट। तो बिल्कुल अब हम लोग अगले दिन से 5.2 का थ्योरी पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल इन चीजों का अच्छे से फायदा उठाइए। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको फिर से बनाकर भेजिए, हम बनाकर भी आपके लिए भेजेंगे अगर वैसा प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अब अगले क्लास में हम 5.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।